हेलो एवरीवन, मैं इंद्राणी निर्मल कर कंपटीशन कम्युनिटी के इस FTR सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप मेरे साथ साइंस पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाली क्लास में आपने फिजिक्स पढ़ा है और आज की क्लास जो है केमिस्ट्री को लेकर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के पहले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, ठीक है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, ये आपसे पूछा गया है। ये कहता है बढ़ता है, विकल्प देखिए, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, पहले इंक्रीज होता है उसके बाद में डिक्रीज होता है, जबकि ऑप्शन डी कहता है कि रिमेन्स कॉन्स्टेंट या फिर स्थिर रहता है। तो देखिए, ये जो आवर्त सारणी है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी आप ले सकते हैं कि आवर्त सारणी में आवर्त किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए, जो आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसे नाम दिया जाता है आवर्त का, या इंग्लिश में इसे ही पीरियड्स कहा जाता है। दोनों आप ध्यान में रखेंगे, आवर्त या पीरियड्स किसे कहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइंस है उन्हीं लाइंस को आवर्त या पीरियड्स कहा जाता है, जबकि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस को नाम दिया गया है वर्ग या फिर ग्रुप का, वर्ग या समूह इसे ही कहा जाता है, या ग्रुप भी इसी का ही नाम है। तो आवर्त सारणी में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन्हें आवर्त के नाम से पुकारा जाता है, जबकि जो वर्टिकल लाइन है उसे कहा जाता है वर्ग या फिर ग्रुप। क्लियर है? अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए आप एक और बेसिक जानकारी ध्यान में रखेंगे कि इन आवर्तों की संख्या या इस वर्ग की संख्या आवर्त सारणी में कितनी होती है, ठीक है। तो जो पहली आवर्त सारणी है, मेंडलिफ जो आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं, तो इस मेंडलिफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी, आवर्तों की संख्या 7 हुआ करती थी, जबकि वर्गों की संख्या थी 9, ठीक है, पीरियड्स हुआ करते थे 7, जबकि ग्रुप हुआ करता था 9, जो बेसिक आवर्त सारणी जो मेंडलिफ के द्वारा दी गई थी। अब उसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो किसने दी है, हेनरी मोस्ले ने दी है। दोनों आप ध्यान में रखेंगे, इसे लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। हेनरी मोस्ले जो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं, इनके आवर्त सारणी में पीरियड्स की संख्या तो 7 ही थी, ठीक है, उसमें उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इसमें चेंज हुआ है इसके वर्ग में, जो जस्ट डबल हो चुका है, ठीक है, पहले कितनी थी, पहले 7 थी, वर्ग की संख्या 9 थी, अब हेनरी मोस्ले की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 ही है, जबकि वर्ग की संख्या बढ़कर हो चुकी है 18, ठीक है, 18 ग्रुप्स बन चुके हैं, या यूं कहें कि 18 वर्टिकल लाइंस जो है नई आवर्त सारणी में है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे, मेंडलिफ आवर्त सारणी के जनक, इनके आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग हुआ करते थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोस्ले के द्वारा दी गई है, इसमें आवर्त की संख्या है 7, जबकि वर्ग की संख्या हो गई है 18। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट हम जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ये एक टेबल ध्यान में रखेंगे। देखिए, ये टेबल, यदि आप ये टेबल याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी दिखाई गई है, गुण कौन कौन से होते हैं ये आपको दिखाया गया है। उसके बाद आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, घटता है, क्या होता है ये हम देखेंगे। और यहाँ ये वाले कॉलम में आप देखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी पर आइए, यहाँ पर कहा गया है परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ठीक है, परमाणु का आकार बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है, जस्ट इसके अपोजिट जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में तो क्या हो जाएगा, यही बढ़ जाएगा। जो चीजें आवर्त में बढ़ रही है या घट रही है उसके जस्ट अपोजिट जो है वर्ग में होता है, ठीक है। यदि आवर्त में परमाणु का आकार घट रहा है तो वर्ग में वही परमाणु का आकार बढ़ जाता है। अगला हम देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता, जिसमें बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये घटती है।
देखिए, इस टेबल में केवल दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज आप ध्यान में रखेंगे परमाणु आकार को, दूसरी आप ध्यान में रखेंगे धात्विक गुण को। ठीक है, परमाणु आकार यानी एटॉमिक साइज, धात्विक गुण यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी, केवल यही दोनों चीजें आपको इस टेबल से ध्यान में रखनी है। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्यों आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है? क्योंकि देखिए, परमाणु का आकार और जो धात्विक गुण है, ये दोनों जब हम लेफ्ट से राइट आते हैं तो केवल यही दोनों घटती हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं टेबल में, केवल यही दोनों ऐसे गुण हैं जो घटते हैं बाएं से दाएं आने पर, और बाकी जितने भी गुण दिए हैं, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन प्रीति और अधात्विक गुण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अधात्विक गुण यहाँ पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये सारे गुणों में वृद्धि होती है। ये सारे कैसे होते हैं? बढ़ते हैं। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? वर्ग में इन्हीं सारे जो गुण है वो घटेंगे। ठीक है, आवर्त में ये बढ़ रहे हैं तो वर्ग में ये घट जाएंगे। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी? परमाणु का आकार और दूसरा धात्विक गुण। केवल यही दोनों लेफ्ट से राइट जाने पर घटते हैं, जबकि बाकी सारे गुण लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन हमको किसके लिए पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार में क्या चेंजेस होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसा कि अभी हमने ये टेबल डिस्कस किया है, टेबल में क्या दिया है? टेबल में दिया है कि इस आवर्त सारणी में परमाणु का आकार कैसे होता है। परमाणु का आकार घटता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यही परमाणु का आकार बढ़ जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। इस तरह से इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है परमाणु का आकार जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। यहां तक क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेटल फाउंड इन द हाइएस्ट अमाउंट इन द अर्थ। ध्यान दीजिए, यहाँ मेटल को लेकर के आपके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन, हीलियम, एल्यूमिनियम या फिर लिथियम। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और पूछा क्या गया है कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ धातु यानी कि मेटल को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इससे रिलेटेड आपसे दो तीन प्रकार के और क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से, आइए डिस्कस करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल या धातु कौन सा है, तब आपको आंसर लेना होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है? एक धातु है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही सेम क्वेश्चन यदि आपको तत्व से लेकर पूछा जाए, ठीक है, कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब आपको आंसर लेना होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन तत्व वाले में आंसर लेना है। यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक इस पूरे यूनिवर्स में, तब आपको आंसर लेना होता है हाइड्रोजन का। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो कौन सा तत्व है? वो है हाइड्रोजन। यही सेम क्वेश्चन यदि वायुमंडल के लिए पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब आपको आंसर लेना होता है नाइट्रोजन का। ये चारों चीजें आप ध्यान में रखेंगे। धातु, सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है पृथ्वी पर, वो है एल्यूमिनियम। तत्व के लिए पूछा जाए तब आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। जबकि वायुमंडल के लिए नाइट्रोजन आपको आंसर में लेना है, जो लगभग 78% आपके एटमोस्फियर में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन से एक और क्वेश्चन आप ध्यान में रख सकते हैं कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है, आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। हाइड्रोजन को लेकर एक और क्वेश्चन फ्रेम होता है, आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। देखिए, तत्वों के नाभिक में तीन
चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन किस तत्व में नहीं पाया जाता है? तो वो एकमात्र तत्व का नाम क्या है? एकमात्र तत्व है हाइड्रोजन, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, धातु सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। चलिए ऑप्शन पर देखते हैं, एल्यूमिनियम कहाँ दिया गया है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, जो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन डी हमें दिया गया था, लिथियम का। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 18वें समूह का सदस्य नहीं है? पीरियोडिक टेबल में जो 18वां समूह है या 18th ग्रुप है, उसका मेंबर कौन सा दिए गए विकल्प में से नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले 18th ग्रुप को हम डिस्कस करते हैं कि 18वां समूह क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 18वें समूह को ही शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ये दोनों क्या है, एक ही ग्रुप को डिनोट करते हैं। 18वां समूह या फिर शून्य समूह, दोनों क्या है, एक ही है। इस 18वें समूह या शून्य समूह में जो गैसें पाई जाती है, उन्हीं गैसों को अक्रिय गैसें, ध्यान दीजिएगा, अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें, या फिर इसी को ही नोबेल गैस भी कहते हैं। ये तीनों नाम आप ध्यान में रखेंगे, कौन कौन से? अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या फिर नोबेल गैस, ये तीनों गैसों के नाम हैं जो 18वें समूह या शून्य समूह में पाए जाते हैं, ठीक है? इनको अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता जो है बहुत कम होती है, इसलिए इन गैसों को नाम दिया जाता है अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या फिर नोबेल गैसेस का, ठीक है? इनका अष्टक पूर्ण रहता है, इस वजह से इनकी क्रियाशीलता कम होती है। अब बात आती है कि 18वें समूह या शून्य समूह में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है। यहाँ देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये कौन सी गैसेस हैं? ये आपके शून्य समूह की गैसेस है या फिर अक्रिय गैसेस, उत्कृष्ट गैसेस या फिर नोबेल गैसेस है। कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। तो देखिए, हीलियम का क्या यूज है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे, गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस को भरा जाता है, ठीक है? इसके पीछे का कारण ये होता है कि हीलियम गैस एक तो इनफ्लेमेबल नहीं है, यानी ज्वलनशील नहीं होता है, साथ ही ये हल्की गैस होती है। हल्की और अज्वलनशील होने के चलते गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस को भरा जाता है। आते हैं नियॉन पर, नियॉन गैस का क्या यूज है? तो नियॉन, जैसा कि ये अक्रिय गैस है, ये क्रिया नहीं करता है, तो ट्यूबलाइट और बल्ब में इसका यूज किया जाता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे, ट्यूबलाइट या फिर बल्ब जो है उसमें नियॉन गैस का यूज किया जाता है। ऑर्गन का क्या यूज है? तो ऑर्गन का उद्योगों में यूज किया जाता है। क्रिप्टॉन का यूज लेजर बनाने में किया जाता है, जबकि ज़ीनॉन और रेडॉन से लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। ज़ीनॉन से लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रेंजर गैस के नाम से निम्न में से किस गैस को जाना जाता है, तब आपको आंसर लेना होता है ज़ीनॉन का, क्योंकि ज़ीनॉन गैस को ही स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं रेडॉन गैस पर, तो ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है, ठीक है? क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है कि दिए गए विकल्प में से कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तब आपको आंसर लेना होता है रेडॉन का, जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है? दोनों क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखेंगे। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? ज़ीनॉन को कहते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो वो गैस है रेडॉन। 18वें समूह की बात हो रही है, 18वें समूह में कौन कौन से गैसेस हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। हीलियम का यूज हमने देखा गुब्बारों में हवा भरने के लिए हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस, नियॉन का हमने देखा ट्यूबलाइट और बल्ब में, ऑर्गन का यूज होता है उद्योगों में, क्रिप्टॉन का यूज होता है लेजर बनाने में, जबकि ज़ीनॉन को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस, और रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इतनी चीजें आप इस 18वें समूह से या 18वें समूह के गैसों से ध्यान रखेंगे।
चलिए क्वेश्चन पर आइए। निम्न में से कौन सा 18वें समूह का सदस्य नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें से कौन सा नॉट अ मेंबर पूछा गया है और दिया गया है ऑप्शन में आयोडीन, ऑर्गन, रेडॉन और क्रिप्टॉन का। तो हमारे सामने ये लिस्ट है, तो इसमें आयोडीन हमको कहीं नहीं मिला है, यानी आयोडीन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोडीन जो है वो 18वें समूह का सदस्य या मेंबर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आयोडीन इज नॉट अ मेंबर ऑफ 18th ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम निम्न में से किसका अयस्क है? लास्ट ईयर पीएससी में भी जिप्सम को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया है जिप्सम निम्न में से किसका अयस्क है। इंग्लिश में देखिए, जिप्सम इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अयस्क यानी ओर किसका अयस्क है। ऑप्शन देखिए, तांबा या फिर कॉपर का, सोडियम या सोडियम मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम का। तो यदि आपको जिप्सम का फॉर्मूला याद है या ध्यान में है तब आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर पाएंगे। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 into 2H2O, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। यदि इसके केमिकल नेम की हम बात करें तो इसे कैसे लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसका नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। टू लगा है इसीलिए डिहाइड्रेट, ये होता है इसका केमिकल नेम। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। ध्यान दीजिए, यहाँ कौन सा वर्ड छुपा हुआ है? यहाँ छुपा हुआ है कैल्शियम। विकल्प में देखिए, कैल्शियम हमको कहाँ दिया गया है? कैल्शियम हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन पर आइए, जिप्सम निम्न में से किसका अयस्क है? जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या होता है जिप्सम का? CaSO4 into 2H2O। इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4 into half H2O, ये फॉर्मूला हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए है, जबकि 2H2O है आपके जिप्सम के लिए। दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, और ये भी ध्यान में रखना है कि जिप्सम किसका अयस्क है, किसका ओर है, तब आपका आंसर होगा कैल्शियम का, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही इसका ओर का नाम छुपा हुआ है। तो फॉर्मूला ध्यान रखने से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम है, ठीक है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है उनको सबसे पहले लिखना होता है, और जो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं उनको सबसे लास्ट में लिखना होता है। ऑप्शन दिए गए हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है, इन चारों को अरेंज किया गया है अलग अलग नंबर में। कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है उसको हमें सबसे पहले रखना है, जो सबसे कम क्रियाशील है उसको सबसे लास्ट में रखना है। तो ये हम अरेंज तभी कर पाएंगे जब हमको रिएक्टिविटी सीरीज का ज्ञान हो। ठीक है, यहाँ पर सक्रियता श्रेणी का ज्ञान होने से ही हम इसको अरेंज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप अलग अलग तत्वों को देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे स्टार्टिंग में आपको दिया गया है पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, या इसे ही पारा भी कहते हैं, सिल्वर और गोल्ड का। ठीक है, ये टेबल ध्यान में रखना है। इसमें इजीली आपको दिखाया गया है कि पोटेशियम जो है वो सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। देखिए, कई कई जगह सोडियम आपको दिखाई देता होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, सबसे ज्यादा क्रिया करने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है आपका पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में बारी आती है सोडियम की। इस टेबल से क्लियर हो रहा होगा आपको, पोटेशियम के बाद में बारी आती है सोडियम की, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन तत्वों की बारी आती है। जब हम नीचे आते हैं, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे है आपका गोल्ड। गोल्ड जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए यही कारण है कि ये जो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनसे आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, इनमें गंदे होने का चांस जो है बहुत कम होता है। जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है वो सबसे ज्यादा अभिक्रिया करेगा तत्वों के साथ मिलकर, इसीलिए पोटेशियम इस लिस्ट में टॉप पर है, आप ध्यान में रखेंगे।
और ये जिस सीरीज में लिखा हुआ है उस सीरीज आप ध्यान में रखेंगे तब आप इजिली क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर और जो गोल्ड है इनको उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट धातु के लिए चार नाम आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से? कॉपर, मरकरी या फिर पारा, सिल्वर और गोल्ड। ये चारों धातुओं को नाम दिया जाता है उत्कृष्ट धातुओं का। कारण क्या है? कारण इनकी कम अभिक्रियाशीलता का होना होता है। सीरीज आप ध्यान में रखेंगे, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु या तत्व कौन सा है? तो वो है आपका पोटेशियम, उसके बाद आती है सोडियम की बारी, देन फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आप तीन तीन करके भी याद रख सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इसमें पूछा गया था धातुओं की सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम क्या है, यानी जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है वो वाली धातु को हमें पहले रखना है और जो सबसे कम अभिक्रियाशील है उस धातु को हमें बाद में रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना है। तो हमने जैसे अभी टेबल में देखा है सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो है आपकी पोटेशियम। पोटेशियम के बाद बारी आती है सोडियम की, सोडियम की बाद बारी आती है कैल्शियम की, और कैल्शियम के बाद जो अभिक्रियाशील धातु है वो है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, उस टेबल के शुरू के चार धातुओं के नाम आपको दिए गए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद आता है लास्ट में मैग्नीशियम। ये वाला ऑप्शन हमको किस विकल्प में दिया गया है, चलिए देखते हैं। KNaCaMg ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है इस दिए गए विकल्प में और उस टेबल के हिसाब से, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बारी आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? इंग्लिश में भी देखिए, विच मेटल लेयर इज यूजली माउंटेड ऑन ब्रास यूटेंसिल्स टू अवॉइड कॉपर कंटामिनेशन। देखिए, हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जो आयरन और जो स्टील है, लोहा और इस्पात, इनको जंग से बचाने के लिए सामान्यतः इस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है या जिंक धातु का लेयर लगा दिया जाता है, ताकि हम लोहा और जो स्टील है उसको जंग से सुरक्षित रख सके। इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है गैल्वेनाइजेशन, या इसे ही हिंदी में हम कहते हैं यशद लेपन। ठीक है, यशद लेपन, दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे, यशद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, आयरन और स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जिंक धातु की परत चढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर, ध्यान दीजिएगा, पीतल के बर्तनों पर ताम्र संदूषण से बचना है, तो यहाँ पर जो टीन धातु है उसकी लेयर लगाई जाती है। टीन धातु इसलिए लेयर में इसको अप्लाई किया जाता है क्योंकि ये तांबा से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तांबा से अधिक क्रियाशील होने के चलते टीन धातु की परत चढ़ा दी जाती है। जैसा कि अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखा था, रिएक्टिविटी सीरीज में टीन जो है वो तांबा से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तांबा से अधिक क्रियाशील होता है टीन धातु, इसीलिए बर्तनों पर टीन की परत चढ़ा दी जाती है ताकि हम तांबे के संदूषण से बच सके। टीन धातु अधिक क्रियाशील है जिससे ये पहले अभिक्रिया करता है तांबे से, तांबा कम अभिक्रिया की श्रेणी में आता है, हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज देखा हुआ है। अब ये जो प्रक्रिया है, यानी अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाना कम क्रियाशील धातु को सुरक्षित रखने के लिए, जंग से बचाने के लिए, इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है उत्सर्ग रक्षण। दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे, उत्सर्ग रक्षण में अधिक अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ाई जाती है, जबकि जो यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन होता है इसमें जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है आयरन और स्टील को सुरक्षित रखने के लिए। क्वेश्चन पर आइए, पूछा गया है ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है किस धातु की परत, टीन धातु की परत जो है वो चढ़ाई जाती है, और ऑप्शन नंबर ए में ही आपको टीन वाला ऑप्शन दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी भी आप देख सकते हैं, जिंक आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि सामान्यतः हम यही जानते हैं कि लोहे और इस्पात के लिए जिंक का यूज किया जाता है, पीतल के बर्तनों वाला हम नहीं जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पीतल के बर्तनों के लिए टीन का यूज किया जाता है, जबकि आयरन और स्टील के लिए
जिंक का यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम और लेड भी आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको ध्यान में रखना है टीन का और जिंक का कब यूज होता है, आयरन और स्टील की केस में, जिंक में गैल्वेनाइजेशन वाली प्रक्रिया में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को आप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है, ध्यान दीजिएगा, ब्रॉन्ज के लिए मिश्र धातु किसका है ये आपसे पूछा गया है। देखिए मिश्र धातु को लेकर के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इसलिए आप विशेष रूप से मिश्र धातु वाला सेक्शन पढ़ के जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पर आइए, कांसा को लेकर से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांसा किसका मिश्र धातु है। विकल्प आपको दिए गए हैं तांबा और टीन का, यानी कॉपर और टीन का, तांबा या फिर चांदी, कॉपर एंड सिल्वर, तांबा या फिर जस्ता, कॉपर एंड जिंक, जबकि ऑप्शन डी है तांबा एवं सीसा या फिर कॉपर एंड लेड का। तो याद रखिएगा कि जो कांसा या जो ब्रॉन्ज होता है वो किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है, किसकी मिश्र धातु है। तो ब्रॉन्ज जो है वो मिश्र धातु होती है टीन और तांबे की। ठीक है, टीन और तांबे की मिश्र धातु होती है ब्रॉन्ज, या फिर कांसा मिश्र धातु है टीन और तांबे का। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ये है तांबा और टीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कांसा जो है वो मिश्र धातु है टीन और तांबे का। ठीक है, मिश्र धातु आप ध्यान में रखेंगे, कांसा किसका मिश्र धातु है, टीन और तांबे का मिश्र धातु होता है कांसा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के मुख्य अवयव है, द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी आपसे पूछा गया है, और ऑप्शन पर देखते हैं मिथेन, इथेन या हेक्सेन, इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, मिथेन पेंटेन और हेक्सेन। विकल्प डी कहता है मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर जो एलपीजी है वो किसका मिश्रण होता है, या इसमें कौन कौन से अवयव शामिल होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से तीन अवयव के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये तीन अवयव हैं, और इन तीन अवयव के मिश्रण से बनता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नाम ध्यान में रखेंगे, तीनों नाम इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। इसको लेकर एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पूछा जाएगा कि जो घरेलू सिलेंडर एलपीजी कहाँ यूज किया जाता है, एलपीजी का घरेलू सिलेंडरों में यूज किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि घरेलू सिलेंडरों में लीकेज का पता लगाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब लीकेज होती है तो एक स्मेल आती है, उस स्मेल का नाम किस यौगिक के चलते आता है, वो जो स्मेल का कारण है उसके पीछे कौन सा यौगिक है। लीकेज का पता लगाने के लिए इस एलपीजी घरेलू सिलेंडरों में कौन सा यौगिक यूज किया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे उस यौगिक का नाम जो कि है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन जो है ऐसा यौगिक है जिसको वार्निंग ऑर्डर के रूप में सिलेंडरों में यूज किया जाता है। ठीक है, वार्निंग ऑर्डर के रूप में इसको घरेलू सिलेंडरों में यूज किया जाता है, जिससे कि एक स्मेल आती है और उससे हमें सिलेंडर के लीकेज होने का पता लगता है। दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे, पूछा गया है एलपीजी के अवयव को लेकर, एलपीजी में अवयव पाए जाते हैं इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन के, जबकि एलपीजी में जो लीकेज है उस लीकेज का पता लगाने के लिए आपको वहां उसमें मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन, जिसको वार्निंग ऑर्डर के रूप में यूज किया जाता है सिलेंडरों में। चलिए ऑप्शन पर आइए, इस तीन ऑप्शन दिए गए विकल्प में से कहाँ है मिथेन, इथेन और हेक्सेन। ऑप्शन बी है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के मुख्य कंपोनेंट है या मेन अवयव है एलपीजी गैस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। ठीक है, विस्फोटक या एक्सप्लोजिव का नाम नोबेल तेल दिए गए विकल्प में से कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। चलिए विकल्प पर आते हैं, विकल्प दिया गया है टीएनजी, टीएनपी, टीएनए और टीएनटी। ये क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये जो चारों जो हमको ऑप्शन में दिए गए हैं, ये चारों क्या है, चारों विस्फोटक है। अब इनमें से कौन सा विस्फोटक है जिसको नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। टीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, टीएनजी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ध्यान रखते चलेंगे, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये होता है आपका
टीएनजी का फुल फॉर्म है। टीएनपी क्या होता है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये होता है आपका टीएनपी का फुल फॉर्म। ये चारों क्या है? चारों एक्सप्लोजिव या फिर विस्फोटक है। टीएनए क्या होता है? टीएनए ट्राइनाइट्रो, ट्राइनाइट्रो लिखा हुआ है, ए स्टैंड्स फॉर एनिलीन, ठीक है, ट्राइनाइट्रो एनिलीन, जबकि टीएनटी होता है ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन, ठीक है, टोल्यूइन। ये क्या है? ये सारे एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है। एक और नाम आप ध्यान में रखेंगे, वो है आरडीएक्स का। इसको लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान में रखेंगे, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव इसका पूरा नाम होता है, ठीक है, एक्सप्लोजिव। ये होता है आपके आरडीएक्स का फुल फॉर्म, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, जिसको आरडीएक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम ध्यान में रखेंगे, इसको जाना जाता है T4 के नाम से। T4 किस विस्फोटक को कहा जाता है? तब आपको आंसर लेना होता है आरडीएक्स का, जिसका नाम है साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट को पूछा जाए या फिर T4 को पूछा जाए, दोनों किसको इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है आरडीएक्स यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव को। ये क्या है? एक विस्फोटक है। चलिए यहां आते हैं टीएनजी पर। टीएनजी यानी कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का एक और नाम है और इसका नाम है नोबेल तेल, ठीक है, इसको जाना जाता है नोबेल तेल के नाम से। देखिए ग्लिसरीन क्या है? एक प्रकार का तेल ही है, एक प्रकार का लिक्विड ही है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। टीएनपी की यदि हम बात करें, ट्राइनाइट्रोफिनॉल की, तो इसका एक और नाम आप ध्यान में रखेंगे, वो नाम है पिक्रिक अम्ल के रूप में, ठीक है। पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है, किस विस्फोटक का नाम है? तो आपको आंसर लेना होगा ट्राइनाइट्रोफिनॉल का। ट्राइनाइट्रोफिनॉल का एक और नाम है, वो है पिक्रिक अम्ल। बाकी आप टीएनए और टीएनटी भी ध्यान रख सकते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी एक्सप्लोजिव है। आरडीएक्स आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे और टीएनजी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ये दोनों से लेकर क्वेश्चन बनते हैं। नोबेल तेल क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे टीएनजी है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को ही नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। आरडीएक्स का दो नाम, T4 साइक्लोनाइट, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, और इसका एक और नाम आप ध्यान में रखेंगे, प्लास्टिक विस्फोट, ठीक है। आरडीएक्स को ही जाना जाता है प्लास्टिक विस्फोट के नाम से। प्लास्टिक विस्फोट किसका नाम है? तो वो है आरडीएक्स का। बाकी टीएनजी टीएनपी इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से ध्यान में रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? अभी मैंने आंसर बताया है किस विस्फोटक का नाम है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीएनजी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए यहाँ दिया गया है एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन। ये एक साइड आपको दिखाई दे रहा है मेटल के नाम, जबकि दूसरा साइड आपको दिया गया है बॉक्साइड। यहाँ देखिए बॉक्साइड, सिनेबार, कैलामाइन और हेमेटाइट का, ये क्या है? ये ओर के नाम है। ओर मीन्स अयस्को के नाम आपको दिए गए हैं। और क्या होता है? अयस्क। अयस्क क्या होता है? अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है, अशुद्धियां उसमें कम होती है। उसमें से धातु का निष्कर्षण हम कम खर्च में सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं, तो ऐसे खनिजों को नाम दिया जाता है ओर या फिर अयस्क का। अब देखिए यहाँ आपको ओर दिया है और मेटल दिया है, इसमें से किस ओर से किस मेटल का निष्कर्षण किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं अब ऑप्शन को। दिया है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन किया जाता है बॉक्साइट से, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑप्शन बी पर आते हैं, कॉपर और सिनेबार। कॉपर को क्या सिनेबार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सिनेबार किसका ओर है? सिनेबार ओर है मरकरी का, ठीक है, सिनेबार और है मरकरी का। मरकरी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिनेबार से,
ऑप्शन नंबर सी क्या है? जिंक कैलामाइन, कैलामाइन इज अ ओर ऑफ जिंक, जबकि हेमेटाइट जिससे आयरन को निष्कर्षित किया जाता है या उसका एक्सट्रैक्शन हेमेटाइट से किया जाता है। तो जैसा कि मैंने सिनेबार का बताया, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार अयस्क होता है मरकरी का, जबकि विकल्प बी में हमको कॉपर के अयस्क के रूप में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर बी। इसमें से कॉपर और सिनेबार जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। कॉपर धातु का निष्कर्षण सिनेबार से ना होकर मुख्यतः किससे होता है? कॉपर ऑक्साइड से होता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड मुख्य एक अयस्क है जिससे निष्कर्षण किया जाता है कॉपर धातु का। सिनेबार के निष्कर्षण के लिए, सिनेबार को निष्कर्षित करके हमको प्राप्त होता है कौन सी धातु? मरकरी धातु हमको प्राप्त होती है। इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से ध्यान में रखेंगे। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं आप अगले क्लास में जो कि बायोलॉजी के ऊपर होगी। आगामी परीक्षा के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।